नमस्कार एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। पहला है NaCl सॉल्यूशन विथ कॉपर मेटल। तो आइए इसको एनालाइज करें। अगर कॉपर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम से ऊपर होगा तो वो NaCl में Na को रिप्लेस कर पाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कुछ यहाँ है और सोडियम कुछ यहाँ है। इसका मतलब है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो पहले वाले पेयर में कॉपर सोडियम को NaCl सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकेगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है सोडियम से। दूसरे की बात करें, MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। तो हमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के प्लेस को रिएक्टिविटी सीरीज में ढूंढना होगा। तो यहाँ है कुछ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के नीचे है एल्यूमिनियम। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। तो एल्यूमिनियम भी मैग्नीशियम को MgCl2 से रिप्लेस नहीं कर सकेगा। यह रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई होती है। सोडियम पोटेशियम यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव है। अगले पेयर की बात करें, FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। आइए आयरन और सिल्वर की पोजीशन देखें। Fe कुछ यहाँ है और सिल्वर कुछ यहाँ है Ag। तो Ag जो है सिल्वर वो आयरन से नीचे है। इसका मतलब सिल्वर आयरन को FeSO4 से डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। अगला है AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। सिल्वर नाइट्रेट में अगर कॉपर डालें तो आप देख सकते हैं कि कॉपर यहाँ है और सिल्वर कॉपर के नीचे है। इसका मतलब है कि जो कॉपर मेटल है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि सिल्वर के ऊपर है कॉपर। सिल्वर नाइट्राइट में अगर आप कॉपर डालेंगे तो बनाएगा कॉपर 2 नाइट्राइट प्लस सिल्वर। इसका मतलब है कि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका आंसर है कि इनमें से जो सबसे लास्ट पेयर है डी नंबर का, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। क्यों करेगा, ये आप इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। एक लोहे का फ्राइंग पैन है जिसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। पहला है अप्लाइंग ग्रीस। उस फ्राइंग पैन के ऊपर हम ग्रीस लगा दें जो गाड़ी के चक्कों में लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसे रस्टिंग से बचाने के लिए भी यूज़ किया जाता है कुछ एक केसों में। दूसरा है अप्लाइंग पेंट, हम फ्राइंग पैन के ऊपर पेंट कर दें। तीसरा है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, फ्राइंग पैन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग चढ़ा दें, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहली बात, फ्राइंग पैन को हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीस लगाने से बहुत संभव है कि उसमें रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि हम फ्राइंग पैन को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम ग्रीस तो नहीं लगा सकते। दूसरी बात कि फ्राइंग पैन अक्सर धुलता रहता है, तो आप ग्रीस लगाओगे, आप उसे सोप या डिटर्जेंट से साफ करोगे, तो ऑब्वियसली बात है ग्रीस धुल जाएगा। तो ये पहला नंबर तो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात, अप्लाइंग पेंट। अब आप अगर फ्राइंग पैन को पेंट करोगे, फ्राइंग पैन अगर चूल्हे पे चढ़ेगा तो वो हीट होगा और पेंट आपका आसानी से ख़राब हो सकता है। इसलिए पेंट से भी रस्टिंग से बचाना एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। अप्लाइंग अ जिंक कोटिंग, तो गैल्वेनाइजिंग के बारे में आपने पढ़ा है, मेटल को रस्टिंग से बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और जिंक कोटिंग लगाने से हमारे फ्राइंग पैन को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हम जैसे उसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ कर पाएंगे। इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने का। तो ऑल ऑफ द एबव तो नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर हमारा सी है। आइए आंसर देखें एक बार, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक ये आपका आंसर है। क्यों है, वी कैन ऑल्सो अप्लाई ग्रीस एंड पेंट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अगर ये एक साधारण आयरन होता तो इसे हम ग्रीस या पेंट लगा के भी रस्टिंग से बचा सकते थे। लेकिन हाउएवर इन केस ऑफ आयरन फ्राइंग पैन, ग्रीस एंड पेंट कैनॉट बी अप्लाइड बिकॉज वेन द पैन विल बी हीटेड एंड वॉश्ड अगेन एंड अगेन द कोटिंग ऑफ ग्रीस एंड पेंट वुड बी डिस्ट्रॉयड।
अगर आप पेंट या ग्रीस लगाते हैं उसे रस्टिंग से बचाने के लिए, तो जब आप उसे बार बार धोएंगे या फिर गर्म करेंगे तो ये जो ग्रीस है और पेंट है ये खराब हो जाएगा। तो फ्राइंग पैन के लिए तो एटलीस्ट हम ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो एक कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्सियम, कार्बन, सिलिकन, आयरन। हम जानते हैं कि जब कैल्सियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्सियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, और ये वाटर सोल्यूबल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। कैल्सियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है 2572 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू विकी। क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। फूड कैंस को जिंक से कोट नहीं किया जाता, टीन से कोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो टीन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आप जिंक से फूड कैन को कोट करोगे तो वो आपके फूड सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके उसे खराब कर देगा। टीन लेस रिएक्टिव है इसलिए हम टीन से फूड कैंस को कोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब, कुछ वायर्स और स्विच दिए गए हैं। आप एक मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिफरेंस बताएंगे? विथ द हैमर वी कैन बीट द सैंपल एंड इफ इट कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स दैट इज इट इज मेलिएबल देन इट इज अ मेटल अदरवाइज अ नॉन मेटल। अब चूंकि हमें एक हथौड़ा दिया गया है तो जो भी सैंपल हमें टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो हम उसे उस हथौड़े से पीट कर देखेंगे। अगर वो पतले शीट्स के रूप में, पतले चदरे के रूप में अगर कन्वर्ट हो पा रहा है, इसका मतलब है कि वो एक मेटल है। सिमिलरली वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच टू सेटअप अ सर्किट विद द सैंपल। इफ द सैंपल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज अ मेटल अदरवाइज अ नॉन मेटल। उसी तरह ये जो बल्ब, वायर, स्विच और बैटरी हमें दी गई है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक सर्किट बनाएंगे उस सैंपल का इस्तेमाल करके जिसे हमें टेस्ट करना है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी उस सैंपल के थ्रू पास हो रही है इसका मतलब है कि वो सैंपल एक मेटल है, और अगर नहीं हो रही तो वो एक नॉन मेटल है। असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आंसर, द अबव टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज दीज आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन दीज टेस्ट। तो ऐसे टेस्ट को करने का क्या फायदा है? तो अगर आपको एक मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पता करना है तो आप इस तरह के टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है और आसानी से आप मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यही इसका फायदा है, यही इसकी यूजफुलनेस है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके दो एग्जाम्पल दें। दोज ऑक्साइड्स दैट बिहेव बोथ एज एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं, वैसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। ऐसे दो मेटल के नाम बताएं जो कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, और ऐसे दो मेटल के नाम बताएं जो कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आइए एक बार रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने ऊपर देखी उसे एक बार और देखें। हाइड्रोजन कुछ यहाँ है, तो जो मेटल यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो उसे उसके डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेटल हाइड्रोजन के सबसे पास है उसे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस करने में काफी समय लगेगा, काफी टाइम लगेगा। इसलिए हम किसी ज्यादा रिएक्टिव मेटल का सहारा लेंगे। एसिड भी डाइल्यूट है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल को लेना बेहतर होगा।
और ऐसे कुछ मेटल जो कि हाइड्रोजन को उसके डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ये वो मेटल हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, वो यहाँ हाइड्रोजन से नीचे पाए जाएंगे। आंसर, मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं उसे उसके डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एंड पोटेशियम के और एन जो सबसे ऊपर था वो हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन से। मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस इट। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर एंड सिल्वर, Cu और Ag, ये मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे थे इसलिए ये उसे उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। एक कोई मेटल M है, उसका अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है तो आप एनोड किसे बनाएंगे, कैथोड किसे बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट किसे बनाएंगे। आंसर, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ M, एनोड विल बी द इम्प्योर मेटल M। वैसा मेटल जिसकी आपको रिफाइनिंग करनी है उसे आप एनोड बनाएंगे। कैथोड विल बी द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल M। उसी मेटल का एक प्योर पार्ट को हम कैथोड बनाएंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट विल बी द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल M। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड बाई इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर बिलो। प्रत्युष ने एक स्पैचुला पे सल्फर पाउडर लिया है और उसे यहाँ हीट कर रहा है, और हीट करने के बाद जो गैस निकल रही है उसे इस तरह वो एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहा है। ये टेस्ट ट्यूब है, ये स्पैचुला है, ये नीचे हीट के लिए बर्नर है और यहाँ जो गैस निकल रही है इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये जो गैस निकल रहा है उसका ड्राई लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, इसे बैलेंस करके बताना। सो द आंसर इज देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। इस गैस का ड्राई लिटमस पेपर पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। दूसरा है मॉइस्ट लिटमस पेपर के बारे में, सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो कि सल्फर पाउडर को हीट करने के बाद निकल रहा है, इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। और अगर आप बैलेंस्ड रिएक्शन देखना चाहें तो यह है सल्फर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस हीट करने के बाद बनाता है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसे टेस्ट ट्यूब में कैप्चर किया जा रहा है। और आगे जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो SO2 गैस जो कि निकला हीट करने के बाद वो रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ, H2O लिक्विड के साथ, बनाएगा H2SO3 एक्वस सल्फ्यूरस एसिड जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ये रिएक्शन हो रही। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्टिंग से बचाने के दो तरीके हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी देखे हैं, एक बार और देखें। टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन आर, पहला है ऑयलिंग, ग्रीजिंग और पेंटिंग जो हम फ्राइंग पैन में कर रहे थे। बाई अप्लाइंग ऑयल, ग्रीज और पेंट द सर्फेस बिकम्स वाटर प्रूफ एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आयरन, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। जब हम आयरन के सरफेस पे ऑयल, ग्रीस या पेंट लगा देते हैं तो जो मेटल का सरफेस है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता, जिस कारण आयरन में रस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर जरूरी है आयरन को रस्ट कराने के लिए। और दूसरा तरीका है गैल्वनाइजिंग, जो कोटिंग की बात हम कर रहे थे फ्राइंग पैन वाले क्वेश्चन में। एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विथ लेयर ऑफ जिंक मेटल विच प्रिवेंट्स द आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। तो दूसरा तरीका है गैल्वनाइजिंग, इसमें आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है जिससे वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जिससे रस्टिंग से वो बचा रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन।
किस तरह का ऑक्साइड बनता है जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं? नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था स्पैचुला वाले रिएक्शन में, तो बना रहा था सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करा सकते हैं आप किसी भी नॉन मेटल को? उसे हीट करके। क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस, इनके कारण बताने हैं। पहला, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के काम में क्यों लिया जाता है? आंसर, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्चरस, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड इजिली। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो काफी चमकीले हैं, इसलिए इन्हें गहने बनाने के काम में लिया जाता है। और एक और बात कि ये जो प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर हैं, ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं। ये देखें, प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर ये सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, तो चूंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं, इसका मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल हैं। तो अगर सबसे कम रिएक्टिव हैं तो ये दूसरे मेटल्स के साथ या फिर दूसरे केमिकल्स के साथ कम रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि वो जल्दी खराब नहीं होते, जैसे कि आयरन में रस्टिंग हो जाती है, वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब होने लगता है, कोरोड होने लगता है। तो ऐसा प्लेटिनम सिल्वर और गोल्ड के केस में नहीं होगा या कम होगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम पोटेशियम और लिथियम को ऑयल के अंदर रखा जाता है, ऐसा क्यों? सो आंसर इज, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्ट वेरी विगरसली विथ एयर एज वेल एज वाटर। सोडियम पोटेशियम और लिथियम, आप इनकी पोजिशन देखें एक बार रिएक्टिविटी सीरीज में। यहाँ है पोटेशियम और सोडियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं सबसे। इसका मतलब है कि ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, और चूंकि ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये एयर और वाटर के साथ बड़ी तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है ताकि इन्हें एयर और वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचाया जा सके, ताकि ये रिएक्ट करके खराब ना हो जाएं, ये सोडियम और पोटेशियम के फॉर्म में बने रहें। क्वेश्चन नंबर सी, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी इसे खाना बनाने के बर्तन बनाने के काम में लिया जाता है। सो द आंसर इज, दो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज रेसिस्टेंट टू कोरोजन। हाँ, ऐसा है कि एल्यूमिनियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है, बट ये जल्दी कोरोड नहीं होता, ये जल्दी खराब नहीं होता। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये खराब क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए कि ये एल्यूमिनियम हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्साइड का लेयर एल्यूमिनियम के सरफेस पे होता है, ये काफी स्टेबल होता है, और जब एक बार ऑक्साइड का लेयर एल्यूमिनियम के सरफेस पे बन जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आगे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। ऑल्सो इट इज लाइट इन वेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी कि एल्यूमिनियम हल्का होता है और ये हीट का एक अच्छा कंडक्टर है, हेंस इट इज यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। और यही कारण है कि एल्यूमिनियम खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर डी है कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा क्यों? सो द आंसर इज, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज मेटल्स कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रैदर देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। अगर मेटल ओर हमें कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मिल रहा है, तो इसे हम ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान होता है कार्बोनेट और सल्फाइड के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 13,
यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टमरिंड जूस एक्सप्लेन व्हाई सार सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। आपने खराब हुए एक कॉपर के पतीले को देखा होगा, किसी भी वेसल को, उसे नींबू या फिर इमली के जूस से साफ किया जाता है। ऐसा क्यों है? और ये जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं, खट्टी चीजें हैं जैसे इमली और नींबू, ये इस तरह के कॉपर वेसल को साफ करने के काम में क्यों आते हैं? सो द आंसर इज कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड एज अ रिजल्ट कॉपर वेसल लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सर्फेस फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होता है और बनाता है कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर जो कि कॉपर के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देता है और ये कॉपर कार्बोनेट एक हरे लेयर के रूप में कॉपर के ऊपर जम जाता है जो कि कॉपर का जो शाइनी सरफेस है, जो चमकीला भूरा सतह है, उसको खराब कर देता है। द साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन और टामरिंड न्यूट्रलाइजेस द बेसिस कॉपर कार्बोनेट एंड डिजॉल्व्स द लेयर। साइट्रिक एसिड जो कि नींबू और इमली में होता है वो कॉपर कार्बोनेट जो कि एक बेस है उसको ये साइट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज करता है और इस ग्रीन लेयर को जो कि कॉपर के ऊपर आकर जमा हो चुका है उसे डिसॉल्व करता है और इस तरह से हमारा कॉपर का जो वेसल है वो क्लीन हो जाता है। दैट इज व्हाई टार्निश्ड कॉपर वेसल्स आर क्लीन्ड विथ लेमन और टामरिंड जूस टू गिव द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक लश्चर। और नींबू या फिर इमली के जूस से आप कॉपर वेसल को साफ करके उससे उसके वास्तविक चमक दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल में हमें डिफरेंस बताना है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। क्वेश्चन पहला, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसका मतलब कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। दूसरा डिफरेंस है, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। दे यहाँ पे मेटल्स को कहा गया है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है Na2O और इन ऑक्साइड्स में आयोनिक बॉन्ड होता है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है CO2 और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगला डिफरेंस, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता है। सम मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, सम विथ हॉट वाटर एंड सम विथ स्टीम। कुछ मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता। अगला डिफरेंस, दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाउएवर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी डू नॉट रिएक्ट। मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ मेटल दिए गए हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करने वाले मेटल का एक एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, ये HCl से रिएक्ट करके बनाता है NaCl और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। जिस तरह मेटल रिएक्ट कर रहा था डाइल्यूट एसिड के साथ, नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते एंड दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। ये रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि नॉन मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, वहीं जो रिएक्टिव मेटल है वो कर सकते हैं। अगला डिफरेंस, दे रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन अकर। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, CuSO4 में अगर आप जिंक डालें तो ZnSO4 प्लस Cu बनाएगा। वहीं नॉन मेटल के केस में एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। अगला डिफरेंस,
दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लिए जाते हैं क्योंकि ये मेटल्स आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनाएगा Na प्लस, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है। नॉन मेटल की बात करें तो दीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्लोरीन जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा 2Cl-। क्वेश्चन नंबर 15। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। एक आदमी था, वो हर दरवाजे पर जाके खुद को एक सुनार बता रहा था। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उसने दावा किया कि वह पुराने और ऐसे सोने के गहने जिनकी चमक चली गई है उन्हें वापस से चमकीला बना देगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक शक ना करने वाली महिला ने उन्हें अपने सोने की चूड़ियां दे दी और उस आदमी ने उस सोने की चूड़ियों को एक सॉल्यूशन में डुबोया। द बैंगल स्पार्कल्ड लाइक न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। ऐसा करने के बाद जो चूड़ियां उस लेडी ने उस आदमी को दी थी वो चमकने लगी, लेकिन चूड़ियों का वजन घट गया। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट। जब उनके चूड़ियों का वजन घट गया तो लेडी काफी अपसेट थी, लेकिन एक व्यर्थ विवाद के बाद वो आदमी चलता बना, जल्दी जल्दी भाग लिया। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। तो क्या आप यहाँ एक जासूस का काम करके ये पता कर सकते हैं कि उस आदमी ने किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया था उस महिला की चूड़ियों को डुबोने के लिए? सो द आंसर इज ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रेजिया। उस आदमी ने जरूर ही उस महिला की चूड़ियों को एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन में डिप किया होगा। एक्वा रेजिया एक सॉल्यूशन है, अ 3:1 मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3। एक्वा रेजिया 3:1 प्रोपोर्शन में मिलाए गए कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का एक सॉल्यूशन होता है। एक्वारेजिया इज अ फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड। एक्वारेजिया एक धुआं छोड़ने वाला और चीजों को गला लेने वाला, खराब कर देने वाला एक लिक्विड होता है। इट डिजॉल्व्स गोल्ड इन इट, और जब गोल्ड बैंगल्स को इसमें डाला जाएगा तो वो सोने को उस सॉल्यूशन में घुला लेगा, डिजॉल्व कर लेगा। आफ्टर डिपिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन एक्वारेजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड गेट्स डिजॉल्व एंड द इनर शाइनी लेयर अपियर्स। जब एक्वारेजिया में गोल्ड को डुबोया गया तो ऊपर का जो डल सतह था वो उस केमिकल में घुल गया और जो अंदर का शाइनी सरफेस था वो बाहर आया। दैट इज वाई द वेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट रिड्यूस्ड। और यही कारण है क्योंकि ऊपरी सतह घुल गया उसे केमिकल में, जिस कारण जो सोने के ऑर्नामेंट का वेट था वो घट गया। क्वेश्चन नंबर 16। गिव आंसर्स व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। वाटर पानी की टंकियों को बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, आयरन या फिर स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों? आंसर, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। कॉपर मेटल ठंडे पानी, गर्म पानी या फिर भाप, तीनों ही के साथ रिएक्ट नहीं करता। हाउएवर आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। लेकिन आयरन की अगर बात करें तो आयरन भाप के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन देन आयरन वुड रिएक्ट विगरसली विथ स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट वाटर। अगर आप पानी के टैंक को आयरन या फिर स्टील से बनाओगे, स्टील जो कि आयरन का एक अलॉय है, तो वो चूंकि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम जो वाटर के वेसल्स हैं उन्हें कॉपर का बनाते हैं। आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। यही कारण है कि हॉट वाटर टैंक को बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल नहीं होता।
तो ये खत्म होता है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। नीचे दो क्वेश्चन और है, आइए उन्हें भी देख लें। व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो कर रखते हैं? आंसर, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल एंड कंबाइन एक्सप्लोसिवली विथ एयर एज वेल एज वाटर। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल हैं और ये पानी और हवा के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हमने ऊपर भी देखा था आई गेस। हेंस दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। सोडियम और पोटेशियम को खुले में अगर रख दिया जाए तो वे जल जाएंगे, आग पकड़ लेंगे। देयरफोर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स एंड एक्सीडेंट्स, सोडियम इज स्टोर्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। आग और एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, अगर खुले में रखा जाए तो वे आग पकड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? आंसर, आयोनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स। आयोनिक कंपाउंड में जो आयन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। देयरफोर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दीज फोर्सेस। अगर आपको आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना है तो बहुत सारी एनर्जी लगती है दोनों आयन्स को सेपरेट करने के लिए, उनके बीच का जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए काफी एनर्जी लगेगी। दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसीलिए आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है। तो इसके साथ खत्म हो जाता है आपके चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल का इंटेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इंक्लूडिंग ये दो क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आपने इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देखें जिसमें मैंने सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर बताए हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।